नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल आ रहे ऐसे एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार अब बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। इसी के साथ में बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है। दोस्तों आपको बता दें कि 6 महीने में अब पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और भर्तियों का स्पेशल कैलेंडर जारी होने वाला है, तथा इसी के साथ में जो बाहरी राज्यों के विद्यार्थी हैं उनका भी राजस्थान में कोटा खत्म होने वाला है। इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ स्पेशल कमेटी गठित की गई है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, भर्तियों को समयबद्ध किए जाने को लेकर कमेटी की पहली बैठक ये तैयार हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कि 1-1.5 साल लगातार खिंचती ही रहती है, प्रोसेस लगातार लंबी होती रहती है। किसी भर्ती में रिट लग जाती है, किसी भर्ती के पेपर लीक हो जाती है, इसी प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं भर्ती में आती हैं। तो दोस्तों इसी पहल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अब जो भी भर्ती प्रक्रिया निकलेगी सिर्फ 6 महीने में उसकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। इसी के लिए ये बैठक की गई है। ML कुमावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी दिया सुझाव, भर्तियों का कैलेंडर जारी करने का ये सुझाव दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट इंडियन न्यूज राजस्थान के द्वारा ये ट्वीट किया गया है 13 अप्रैल 2021 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जयपुर भर्तियों को समयबद्ध किए जाने को लेकर कमेटी की पहली बैठक। दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल राजस्थान के सभी बेरोजगार विद्यार्थियों के हितों में ही समर्पित है। ML कुमावत की अध्यक्षता में हुई बैठक बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी इसमें सुझाव दिया, भर्तियों का कैलेंडर जारी करने का सुझाव, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का नियम बनाए जाने, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को रोके जाने का सुझाव, राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पेपर बढ़ाने, विद्या संबल योजना बंद करने और नियमित भर्ती करने का सुझाव इसमें दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों UPSC की तर्ज पर भर्तियों का टाइम टेबल करने का सुझाव, पेपर लीक, फर्जी डिग्री, नकल प्रकरण को लेकर सख्त नियम बनाने, भर्तियों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को या तो बिठाया नहीं जाए, बिठाया जाए तो उनके लिए यह सुझाव दिया जाए भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों को ही सुनवाई प्रक्रिया हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ है 1:09 पर 13 अप्रैल 2021 को डाली गई है, जो कि एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। अगर इस प्रकार से हो जाता है तो बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। आशा करते हैं कि जल्द ही ये जो सुझाव दिया गया है लागू हो जाए राजस्थान में, तो इससे सभी बेरोजगार विद्यार्थियों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।